वेलकम टू थाईलैंड। जैसे ही एंट्री लिया लेते ही सामने वेट रिफंड फॉर टूरिस्ट ऑफिस। आप जो भी परचेज करते हैं थाईलैंड में, उसका अगर बिल लगते हैं तो यहाँ से टैक्स पर रिफंड ले सकते हैं कैश के बदले। वो पैसा आपको कैश के थ्रू रिफंड मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। इस वक्त मैं हूँ दोन मुयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक में। दोन मुयांग है, मुयांग जो भी है, उस एयरपोर्ट में हूँ। हमारा सफ़र शुरू हुआ था गुवाहाटी से हम भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर से फिर हम गए विशाखापट्टनम। भुवनेश्वर भी एक्सप्लोर किया, विशाखापट्टनम भी एक्सप्लोर किया। फिर विशाखापट्टनम से हम कुआलालंपुर आए। कुआलालंपुर में एक हफ्ता रहने के बाद वापस थाईलैंड, और थाईलैंड से हम जा रहे हैं अभी गुवाहाटी। तो बहुत लंबा दिन के लिए निकले थे इस बार, और अगली बार होंगे इंशाल्लाह बांग्लादेश में। तो कहने का मतलब है, हमने जो ये ट्रिप किया बहुत मस्ती किया और बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंसेस मिला, और जो जो एक्सपीरियंस हमें मिला वो आपके साथ हमने शेयर किया। ड्यूटी फ्री शॉप्स, यहाँ से मैंने अभी जस्ट चॉकलेट लिए अपने घर के लिए। बहुत अच्छे अच्छे चॉकलेट्स के कलेक्शन थे, मैंने यहाँ से उठा लिए। हमने जो है पीछे वाली गेट से एंट्री ली थी, और ये सामने वाले गेट से यहाँ से भी एंट्री हो रही है। तो हमारी तो एंट्री हो चुकी है, चेकिंग वेकिंग जितना भी करना था सब कुछ कंप्लीट करके अंदर हो लिए हम। अभी अंदर का कुछ व्यू देखेंगे। इंफॉर्मेशन सेंटर, एयरपोर्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। जय जय थाई, जैसे हम लिखते ना, जय जय किसान, जय जय थाई। यहाँ पे बहुत सारे ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, ज्वेलरीज, कॉस्मेटिक्स की खासकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। थाईलैंड में भी और मलेशिया में भी बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स की चले। इन्होंने ब्रांड ऐसे ऐसे ब्रांड है, कभी आपने सुने नहीं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। अभी हम एक्सप्लोर करते हुए दोन मुयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक थाईलैंड। अंदर का एटमोसफियर बहुत अच्छा है, बहुत पीसफुल और सुकून और खुशबूदार। अच्छा, मेरा जो है यहाँ पे 10 घंटे का लेओवर है। दोन मुयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैंकॉक में 10 घंटे का लेओवर है। ये 10 घंटे को मैं कैसे गुजारता हूँ वही सोच रहा हूँ, क्या करूँ, क्या है यहाँ पे करने के लिए, देखते हैं। थाई रेस्टोरेंट, लुक्का काई थॉंग, थाई रॉयल फूड। और यहाँ पे है मैकडोनल्ड। मैंने जो है यहाँ पे एक राइस मिलता है, मैंगो स्टिकिंग राइस, वो ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप थाईलैंड आने से या कुआलालंपुर आने से, मलेशिया आने से मैंगो स्टिकिंग राइस ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं दिखाता हूँ कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ से दिखाऊँ, ये वाला राइस ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए ये पैकिंग आता है, ठीक है, ये पैक भी मिलता है, रेस्टोरेंट में मिलता है, पैकिंग वाला ट्राई कर लीजिए, सस्ता पड़ता है। मैंगो स्टिकिंग राइस, मैंगो स्टिकिंग नहीं, मैंगो स्टिकी राइस। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, टेस्टी था। मैं जो कई दिन से अच्छे से सोया नहीं हूँ, अभी मेरा 10 घंटे के लिए ओवर है, मैं 3 घंटा सोऊंगा पहले, उसके बाद वापस फिर से कनेक्ट होता हूँ आपके साथ। जैसे कि मैं बोल रहा था, मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे पीछे लॉन्च है, लॉन्च में जाके सो जाऊँगा। फिर अभी दिन के 12 बज रहे हैं और हमारी फ्लाइट जो है रात को 10 बजे है, तो अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो इस ओवर 21-26 गेट्स नंबर है, हम जा रहे हैं दूसरे वाले गेट पे, वहाँ से वापस इधर ही आना है, क्योंकि हमारी फ्लाइट इसी गेट से आ रही है। मुझे नींद अभी पूरा नहीं हुआ है, कॉफ़ी लूँगा लेके फिर नींद को भगाऊँगा। मैं जो है लाउंज में गया था, जाने के बाद वहाँ पे 450
थाई बाट मांग रहे थे, तो मैंने सोचा कहीं जाकर थाई बाट वेस्ट करना है, हम सो जाते कहीं इधर उधर, तो यहाँ पे लेट गया था मैं। और लेट के जस्ट अभी उठा हूँ, अभी शाम का टाइम है, कुछ कुछ अंधेरा भी हो गया, तो अभी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इस एयरपोर्ट को। तो भाई यहाँ पर हम लोग बैठेंगे, हम लोग क्या मैं ही बस मलेशिया में जब तक था तब तक तो बाथरूम टॉयलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, पानी होता है। यहाँ पे आने के बाद से बाथरूम में पानी नहीं होता है, तो जब भी जाना होता है तो एक बिस्लरी का बोतल लो या दो लो और लेके बाथरूम जाना होता है, तो काफ़ी सारे पैसे वैसे ही वेस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे तो वो है बाथरूम में बस पोछा रुको टिश्यू पेपर से पोछो और निकल लो, तो हमें तो नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने का कुछ कुछ इंतज़ाम है, बच्चों के साथ हो तो छोड़ सकते हैं आप। एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया है, कुआलालंपुर में तो हलाल का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हर जगह आपको मिल जाएगा। इवन थाईलैंड में भी बहुत सारे स्टोर ऐसा जो हलाल सर्टिफिकेशन वाला सामान सेल करते हैं, तो आपको हलाल खाने के लिए बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देते। हाँ, तो एक्चुअल इंडियन खाना आपको नहीं मिलेगा जैसा आप घर का खाना चाहते हो। यहाँ पे क्या होता है, फ्रोजन फ्रूट होता है हलाल, चाहे बिरयानी खाना हो, दाल चावल खाना हो, या चाइनीज खाना हो, या थाई खाना हो, जो भी खाना है आप खा सकते हो। बस वही है यहाँ पर पीछे देख रहे होने के लिए गिफ्ट, अपने पास टाइम बचा है। 10 बजे की फ्लाइट है, 6 बज रहे हैं, 3-4 घंटा यहीं पे कहीं पे बैठ के बिताएंगे। तो यहाँ पे जो है ड्यूटी फ्री शॉप्स और रेस्टोरेंट्स और कुछ कुछ स्टॉल्स में घूमते घूमते ही रात के 8 बज गए और 2 घंटे हैं। सबका कुछ मिल नहीं रहा खाने के लिए है, तो आगे मैं वहाँ से छोड़ के आगे सोच रहा हूँ पास में ही कुछ मिल जाए तो खा ले, बस खत्म कर ले। सबवे चला जाऊँ या मैक भी चला जाऊँ, चलो देखते हैं। अच्छा, मुझे जो है काफ़ी ज़ोरों से भूख लगी है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक हलाल शॉप है। हलाल मीन्स क्या, हलाल मीन्स मतलब लोग नहीं समझते हलाल हलाल करते, हलाल मीन्स मतलब सही चीज़, गलत चीज़ उस जगह से नहीं आया हुआ, ख़राब चीज़ नहीं, मरी हुई चीज़ नहीं, और वेरीफाइड चीज़ को हलाल बोलते हैं, मतलब आप जान रहे हो कि वो चीज़ सही जगह से आ रही और सही चीज़ है, तो उसका मतलब हलाल है। तो यहाँ से देखते हैं क्या लेते हैं, मुझे तो कुछ स्पाइसी खाने का चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पाइसी नहीं है, क्योंकि जो भी है खाना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लग रहा है। खाऊंगा सोचा था कुछ लूंगा, लेकिन यहाँ पे जो कैश है कार्ड नहीं है, मेरे पास कैश होना चाहिए, कार्ड करना पड़ेगा, लेकिन कार्ड से यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो खाना यहाँ से भी कैंसिल है, कहीं और देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबवे में आया तो यहाँ पे देखा यहाँ पे हैम सर्व करते हैं, ध्यान रखिए आप भी ध्यान रखें, हैम मतलब पर्क, यहाँ पे पर्क सर्व होता है, तो यहाँ से भी हमने कुछ नहीं लिया। आगे जाके देखेंगे कहीं कुछ मिलता है, बैच कुछ मिलने से हो जाएगा। और यहाँ से देखो एयरपोर्ट शीशे में दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर आज पूरे 10 घंटा इस एयरपोर्ट में मैंने बिताए, ले ओवर के टाइम पे शॉपिंग करके, रेस्टोरेंट में बैठ के, लाउंज में बैठ के, और इसी तरह 10 घंटे पूरे कंप्लीट हुए, और अभी गुवाहाटी पहुँचेंगे, 2 घंटे में गुवाहाटी पहुँच जाएंगे। 10:05 हो गए और हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई है, देखें गुवाहाटी के लिए, बैंकॉक से गुवाहाटी। फ्लाइट में आके बैठ गया हूँ अपनी सीट में, और अभी फ्लाइट टेक ऑफ होने को तैयार है। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं।